हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूरा देखेंगे जो उसकी रिलेटेड होता है एई जेई एग्जामिनेशन से, मेनली एग्जाम्स में जैसे एसएससी जेई के सिलेबस में तो मेंशन नहीं है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई एक सब्जेक्ट है, बट उसमें रिलेटेड क्वेश्चन से आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे आपके पास मिला है यूपीपीसीएल में अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आपको अवेलेबल मिलेंगे, मिलते हुए नजर आएंगे। एक एग्जाम्स में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डिजाइन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा क्या क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या क्या है, जो हम एई जेई और जितने भी जूनियर इंजीनियर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ ही कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। तो हम लोग देखें, अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सब्जेक्ट का नाम लिखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसका वेटेज कितना होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं ये लगभग कितने वेटेज का लेके आ जाता है एग्जाम्स में। तो अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, एग्जाम्स लाइक एसएससी जेई मेंशन तो नहीं है एसएससी जेई में कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सब्जेक्ट है, बट फिर भी ये 4 to 8 मार्क्स के आसपास लेके चल देता है। अगर मैं बात करूं आरआरबी जेई की बात करता हूं, और अगर मैं बात करता हूं पीएसयूज की बात कर लूं, तो इसमें इसका अच्छा खासा वेटेज हो जाता है, दैट इज 8 to 18 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज आ जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं यूपीपीसीएल जेई/ए एग्जामिनेशंस में अगर मैं बात करूं, तो इसका अच्छा खासा वेटेज हो जाता है, That is 18 to 23 marks के आसपास ये vary कर जाता है। 18 और 14 के आसपास इसका minimum weightage आपको देखने को मिलेगा। 14 to 23 marks के आसपास ये vary कर जाता है। तो ये तो आपके पास कुछ weightage की बात हो गई कि इतना weightage लगभग exams में मिल जाता है। अब हम लोग क्या आपको design करके दे रहे हैं, means आपको पढ़ना क्या क्या है, syllabus में क्या क्या चीजें हैं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हम लोग क्या क्या चीजों को कवर करेंगे जिससे सारे एग्जाम्स एक साथ क्या हो सके, कवर हो जाए। तो अगर मैं सभी चैप्टर्स की बात करता हूं तो चैप्टर नंबर वन फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सेकंड चैप्टर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर टू की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा एंड इट्स मिनिमाइजेशन टेक्निक। अब ये क्या चीज है, मिनिमाइजेशन टेक्निक, इसी में हम लोग देख लेंगे क्या इनमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोग देख लेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में कौन कौन से होते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे बुलियन अलजेब्रा, यहीं पे हम लोग देखेंगे इसका के मैप से हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, सर्किट्स को घटाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर थ्री की मैं बात करता हूं, तो यहां पे आप देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। अब इसमें क्या, इसमें आप जैसे एडर पढ़ लेंगे, मक्स पढ़ लेंगे, डीमक्स पढ़ लेंगे, कोडर पढ़ लेंगे, एनकोडर पढ़ लेंगे, इनका डिजाइनिंग पढ़ लेंगे, सारी चीजें आप यहां पे देखेंगे। चैप्टर नंबर फोर
चैप्टर नंबर फोर। फोर में क्या देखेंगे? सिक्वेंशियल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट्स, सिक्वेंशियल सर्किट। यहां पे क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशनल के बाद एक और सर्किट हम लोग डिजाइन करेंगे जो सीक्वेंस मेमोरी बेस पे वर्क करेगा, मतलब वो प्रेजेंट इनपुट पे नहीं, पास के इनपुट डेटा को लेके एक नया आउटपुट देगा। उस तरह के सर्किट को हम लोग कहते हैं सिक्वेंशियल सर्किट। तो वहां पे हम लोग एक चीज देख लेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट को डिजाइन करना। जैसे आप देखेंगे काउंटर डिजाइन करेंगे, रजिस्टर डिजाइन करेंगे, फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करेंगे, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और एक लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फाइव। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ, जैसे आपके पास टाइप्स ऑफ मेमोरीज, जैसे कौन सी मेमोरी कहाँ यूज होती है, कहाँ लगती है, उस तरह का हम लोग देख लेंगे। टाइप्स ऑफ मेमोरीज के बारे में देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे कुछ चीजें छूटी होती हैं, जैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ए टू डी कन्वर्टर, कन्वर्टर्स, एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। तो ऐसी हम लोग कुछ चीजें यहाँ पे क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें कि सर ऐसा क्या जरूर, ये तो आपके पास था पूरा, अगर हम लोग बात करें कि किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल जेई एग्जाम में, तो लगभग कोई भी एग्जाम आप देंगे, कोई सा भी एग्जाम देंगे नॉर्मल, अगर आप कोई भी जेई छोड़ दीजिए, कोई भी एग्जाम देते हैं, तो 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल जाता है। मतलब जैसे आपको मिल जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम, आपको मिल जाएगा कौन सा डेसिमल नंबर सिस्टम, कन्वर्जन मिल जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका कन्वर्जन आपको मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। यानी 2 से 4 नंबर ये लगभग अवेलेबल होता है। बुलियन से अगर मैं बात करूं तो ये भी लगभग 4 से 6 नंबर के आसपास अवेलेबल होता है। अगर मैं बात करता हूँ कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो कभी कभार एडर पे 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, और फ्लिप फ्लॉप से कभी कभार आपसे सर्किट डिजाइनिंग के लिए चार तो ज्यादा ही हो गया, ज्यादा क्या कहें, ऐसा कह सकते हैं 2 से लेके 6 के बीच में ये पूछा जा सकता है। और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है एनालॉग कन्वर्टर्स, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, ये कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट है, किसका कॉमन पार्ट है, किसका ये कॉमन पार्ट कहाँ आ जाता है, इसको आप कहाँ पढ़ेंगे, मेजरमेंट में एक बार फिर पढ़ेंगे, मेजरमेंट में आप इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसी कुछ बातें आपको पढ़ना है। लगभग ये कितने मार्क्स का होता है, कभी कभार एक क्वेश्चन कॉमन है इस वजह से मैं बोल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से आ जाता है, कभी कभार इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है। मेमोरीज का अगर बहुत एडवांस लेवल का पेपर बन गया, कॉम्पिटिटिव पेपर एडवांस हो गया, तो एक आधा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, मेमोरीज से मिल जाएगा। जैसे ई रोम, पी रोम, ईपी रोम, ये कैसा होता है, मैग्नेटिक टेप, इससे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये आपके पास था टोटल डिस्कशन कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन और क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, ठीक। नाउ अगर मैं बात करूं डिजिटल सिस्टम की, कि सर असल में डिजिटल सिस्टम है क्या, अगर मैं बात करता हूँ डिजिटल सिस्टम की कि क्यों जरूरत पड़ गई, क्या है आखिर डिजिटल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा क्या आन पड़ा कि हमें डिजिटल की तरफ शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं कहा एक छोटी सी बात थी, क्या चाहिए था, क्या जरूरत आ गई डिजिटल सिस्टम के लिए। मैं कहूँ अगर मैं सिंपल सी एक बात करता हूँ कि सिग्नल कितने तरह का अवेलेबल है, सिग्नल कितने तरह का अवेलेबल है, एक सिंपल सी बात करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, सिग्नल क्या है, कितने तरह का अवेलेबल है, या मैं इसको अगर आप कहते हो तो मैं एक क्वेश्चन बना के लिख देता हूँ। मैं कहा सिग्नल कितना क्या है, पहले ये कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, वॉट इज सिग्नल क्या है, ठीक है। तो मैं कहा एनी इंफॉर्मेशन
written in the form of mathematical expression or electronic language. सिग्नल, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सिग्नल नाम देते हैं। कोई एक इंफॉर्मेशन है जो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख दिए, या इंफॉर्मेशन किस इंफॉर्मेशन में, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में उसको लिख दिए, तो वो क्या बन जाता है, सिग्नल बन जाता है। बेसिकली सिग्नल जो है आपके पास वो दो तरह का होता है। सिग्नल कितने तरह का है, दो तरह का। टाइप्स ऑफ सिग्नल कितने तरह का है भाई, सिग्नल तो अगर मैं बात करूं सिग्नल के टाइप की, तो ये दो तरह का होता है। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूं, तो फर्स्ट आपके पास होता है एनालॉग सिग्नल। फर्स्ट आपके पास होगा एनालॉग सिग्नल, और दूसरा आपके पास एक सिग्नल होगा सेकंड, आपके पास होगा डिजिटल, सिग्नल। ये दो तरह का सिग्नल हो गया, अब थोड़ा सा देखते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है। मैं बात करता हूं आपसे कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एक छोटा सा प्रश्न बना लेते हैं। एनालॉग सिग्नल, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसी इंस्टेंट पे जैसा है वैसा लिखा जाए तो वो एनालॉग सिग्नल बन जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं इसमें एनी इंफॉर्मेशन रिटन एज पर ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कोई इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सिग्नल कह रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं कहता हूं एग्जाम्पल बताइए, सो एग्जाम्पल में मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल में क्या मिल जाएगा, सपोज करिए आपके पास एक ईसीजी मशीन है और आप किसी का ईसीजी कर रहे हैं, तो यहां पे अगर मैं कहता हूं हार्ट रेट यहां पे चल रहा है और टाइम चलता चला जा रहा है, तो इस समय पे इसका हार्ट इस तरह से वाइब्रेट किया, इसका बिहेवियर ऐसा है। हर एक इंस्टेंट पे आपके पास क्या मिल गया, एक सिग्नल आपके पास अवेलेबल, हर एक इंस्टेंट पे कुछ सिग्नल आपके पास क्या है, अवेलेबल है। फॉर ईच टाइम ऑफ टी, हर एक समय के लिए, अगर मैं इसको क्या ले लेता हूं, सेकंड पे ले लेता हूं, एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इज हार्ट रेट। सच टाइप ऑफ सिग्नल इज एनालॉग सिग्नल। ये सिग्नल क्या है आपके पास, एनालॉग सिग्नल है। दिस इज एनालॉग सिग्नल। ये सिग्नल कैसा है, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। यही बस नहीं हो सकता है, सिग्नल इंफॉर्मेशन बहुत तरीके से प्रोपगेट किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए एक साइनसॉइडल वेव है, मतलब फॉर डिफरेंट टाइम्स के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका एम्पलीट्यूड, हो सकता है ये वोल्टेज हो सकता है, ये करंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो आप कहोगे फॉर टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो के लिए इसका वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड कितना था, जीरो है। अगेन टाइम इज इंक्रीजेस,
टाइम चेंजेस इट्स वैल्यू देन द वोल्टेज एंड करंट चेंजेस इट्स वैल्यू, यानी फॉर दिस टाइम, इस टाइम के लिए इसका वोल्टेज वी वन है, अगर आगे चलेंगे टाइम के लिए टी वन के लिए वी वन, टी टू के लिए वी टू, और किसी एक टाइम टी थ्री के लिए, टी थ्री के लिए कितना बन जाएगा, वी थ्री बन जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि समय के साथ इसमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक सिग्नल मिल गया जो इंफॉर्मेशन दे रहा है हर एक इंस्टेंट पे, किसका, वोल्टेज और करंट का आपके पास क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता जा रहा है। ऐसे सिग्नल को हम लोग कहते हैं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एक और बात आई कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, डिजिटल डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल क्या होता है। सो जो एनालॉग सिग्नल है आपके पास, जो एनालॉग सिग्नल आपको आपके पास गिवन है, उसको अगर हम किसी लॉजिक में लिख दें, जीरो वन वन टू, किसी भी लॉजिक में अगर आप लिख दें, और उसको वही उसी इंफॉर्मेशन से उसको फिर से रिगेन किया जा सके एनालॉग में, ऐसा कोई सिग्नल जो एनालॉग की तरह तो नहीं है, है वो डिजिटली है, किसी लैंग्वेज में लिखा है, बट वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, मिस नहीं करने देता, उसको फिर से रिगेन किया जा सकता है किसमें, एनालॉग सिग्नल में। इस तरह के सिग्नल को हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। जैसे डिजिटल सिग्नल एक तरह का लॉजिकल सिग्नल है, इसको कह सकते हैं डिजिटल सिग्नल्स आर दो सिग्नल, डिजिटल डिजिटल सिग्नल आर दो सिग्नल, दोज सिग्नल विच आर रिप्रेजेंटेड आई रिप्रेजेंटेड बाय by the logic through which we can regain regain or can easily easily transmit the data. Easily transmit the data, data को हम लोग क्या कर सकते हैं, easily transmit कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, regain करा सकते हैं, वापस ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको underline करिएगा, which signal can be represented by logic through which we can regain or can easily easily transmit the data, data को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो अगर हमारे पास एनालॉग था तो डिजिटल की जरूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास इतना बढ़िया सिग्नल था जो हर एक इंस्टेंट पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो डिजिटल की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों आपने डिजिटल को प्रिफर किया ओवर द एनालॉग, आप एनालॉग से काम नहीं चला पा रहे थे क्या? हाँ, ये भी एक प्रश्न बनता है कि भैया जब आपके पास एनालॉग था तो आप डिजिटल क्यों डिजाइन किए, आखिर क्या जरूरत पड़ गई, पहला प्रश्न आया। दूसरा प्रश्न आया कि डिजिटल सिग्नल को क्या एडवांटेजेस और भी हो सकते हैं, इसके कितने एडवांटेजेस हो सकते हैं। हाँ, तो एक जरा सा मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। सपोज करिए एक सिग्नल है आपके पास, और सिग्नल कैसा है, साइनसॉइडल है, और ये सिग्नल जो है अपने आप को किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के साथ रिपीट कर रहा है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। सपोज करिए
ये इसका टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड मतलब ये इसी इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, यहां से ये वाला पैटर्न और फिर यही वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं कहा अगर ऐसी बात है, सेम चीज मिल रही है मेरे को, तो क्यों ना मैं इसको एक पैटर्न पे मार्क कर लूं, मैं इसके एक पैटर्न को मार्क कर लूं, दैट इज जीरो, इसको मैं कहा जीरो, इसको मैं कहा वन, फिर मैं जीरो। मैं कहा यही सिग्नल को नेगेटिव में ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, फिर मार्क कर लेता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे। और इसी सिग्नल को, ये जो एनालॉग सिग्नल था, ये जो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, इसी को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं, दैट इज डिजिटल सिग्नल में, इसी को मैं बदल देता हूं डिजिटल में। तो ये कैसा बन गया, इसी को हम लोग डिस्क्रीट भी बोलते हैं सिग्नल सिस्टम में, इसी को हम लोग डिस्क्रीट बोलने लगते हैं। यानी यही सिग्नल कैसा बन गया, अब मैं कहूंगा यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और यहां पे, और यहां पे। यहां पे आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है, बस यहां यहां पे मार्क किया गया। यानी अभी मेरे को जो डेटा चाहिए होगा, अभी मेरे को जो डेटा चाहिए होगा, वो डेटा आप कितना चाहिए होगा, अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को जो डेटा अब चाहिए होगा, बस इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, ये चाहिए। अगर इसको स्टोर करने के लिए ये वाला जो सिग्नल बना, ये वाला जो सिग्नल बना, दैट इज डिजिटल सिग्नल, ये वाला जो सिग्नल बना डिजिटल, डिजिटल सिग्नल। अब इस इंफॉर्मेशन को, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को भेजूंगा, तो सपोज करिए आपको रिक्वायर्ड होगा स्पेस, कितना रिक्वायर्ड होगा स्पेस की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है, कितना, सपोज करिए 10 MB की स्पेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, 10 MB स्पेस की रिक्वायरमेंट आपको हो सकती है, मान लिया 10 MB। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं इस फॉर्म में भेजूंगा, तो मुश्किल से आपको 512 KB की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब इससे बहुत टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी एक बात तो अच्छी है कि हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं, स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंफॉर्मेशन अभी भी वही जा रहा है, हम लोग इसको रिगेन कर लेंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर लेंगे, रिगेन कर लेंगे, यहां से हम लोग मिला लेंगे, ये फिर से हमें मिल जाएगा, साइनसॉइडल सिग्नल हमें फिर से मिल जाएगा। यानी एक अच्छी बात डिजिटल सिस्टम में ऐसा है कि आपके पास स्टोरेज क्या हो गया, कम हो गया, स्टोरेज की जरूरत क्या हो गई, कम हो गई, मेमोरी की जरूरत क्या हो गई, कम हो गई। और आपको पता है कि मेमोरी बहुत बहुत, आप कहोगे सेमीकंडक्टर से मिलके बनती है, तो बहुत महंगी हो जाएगी। अगर हम लोग ये सारे सिग्नल को स्टोर करने लगे, तो बहुत ज्यादा आपका क्या होगा, मेमोरी आएगा, मतलब लागत ज्यादा आ जाएगी। तो इस सभी चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या किए, डिजिटल सिस्टम का, डिजिटल सिग्नल का हम लोग यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग बात करें एडवांटेजेस की, कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में बात करें, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल ओवर एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल के ऊपर डिजिटल सिग्नल का क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहली चीज क्या है, इजी टू डिजाइन, इसको डिजाइन करना आसान है, द डिजिटल सिग्नल इजी टू डिजाइन, द डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करना। जैसे यहाँ पे आप बनाएंगे लॉजिक गेट, लॉजिक गेट बनाने के बाद आप सर्किटरी बनाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी सर्किटरी बना देंगे, जो आप सैटेलाइट इतना बड़ा बनाएंगे, सपोज करिए वर्क कर रहे हैं, वहां पे आपसे कहा किसी ने कि मेरे को मार्स तक कोई एक सैटेलाइट भेजना है, उसको छोटा सा डिजाइन करिए, तो अगर आप उसको एनालॉग में डिजाइन करने लगेंगे, तो बहुत ज्यादा स्पेस लेना पड़ेगा, और उसको आपको लॉन्चिंग करना बहुत ज्यादा टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल डिजाइनिंग करते हैं, और वहां से सर्किटरी को छोटा कर देते हैं। एक सैटेलाइट अगर आप इतना बड़ा बना रहे हो, तो उसको रिड्यूस करके इतना बड़ा लाया जा सकता है डिजिटल में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिजाइनिंग जो होता है डिजिटल सिस्टम का, इजी होता है। क्यों होता है, ड्यू टू टू लॉजिक आर प्रेजेंट इन द डिजिटल सिस्टम, इसके अंदर दो ही लॉजिक प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, जीरो और वन, और हाई और लो, और पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जीरो वन हाई लो पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली बात क्या समझ में आई, इजी टू डिजाइन है, डिजाइन में बहुत आरामदायक है।
दूसरी बात, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ दिस सिस्टम इज बेटर देन एनालॉग। इस बात को समझते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाली बात समझते हैं। सबसे पहले, सबसे पहली चीज मैं कहता हूं एक्यूरेसी की, सबसे पहली बात मैं करता हूं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी अगर मैं बात करूं कि एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, इस बात को मैं इंस्ट्रूमेंट से जोड़ना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बात करता हूं, एग्जांपल लेता हूं, एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करिए वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो क्या मेजर कर रहा है। सपोज करिए ये एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, चलिए इधर वाला मिटा देते हैं। मैं कहा एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरह से अपना इंडिकेशन दे रहा है, माने उसका इंडिकेशन कुछ इस तरह से है। एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ठीक, मार्क कर लेते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है। चलिए इसको मैंने मार्क कर लिया कि एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है जो एनालॉग क्वांटिटी को मेजर कर रहा है। सपोज करिए आपके बाइक का स्पीडोमीटर ही है, सपोज करिए आपके बाइक का स्पीडोमीटर ही है, तो सपोज करिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, सपोज करिए अब आपके पास यहां पे क्या रखा हुआ है, इसका आपके पास रखा हुआ है इंडिकेटर। इंडिकेटर अगर ये इंस्ट्रूमेंट, सपोज करिए आप चल रहे हो, कांस्टेंट एक्सेलरेटर आपने किया है, सपोज करिए आप चल रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आपके पास, स्पीड आपकी 2 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या गारंटी है कि ये वाली जो निडिल है वो एग्जैक्टली 2 किलोमीटर पे ही रहेगी। इस बात की क्या गारंटी है कि जो ये निडिल है वो एग्जैक्टली 2 किलोमीटर पे ही रहेगी, क्या ये वैरी नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत तो वैरी करेगा ही, हो सकता है ये वैरी करके कहां चला जाए, हो सकता है ये वैरी करके कहां चला जाए, इस वाले पोजीशन पे आ जाए, या हो सकता है ये, या हो सकता है ये वैरी करके कहां चला जाए, इस पोजीशन पे आ जाए, है ना भाई। यानी इसमें क्या चांसेस हो सकते हैं, इसमें चांस हो सकता है, हो सकता है ये मेजर कर रहा हो 1.99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेजर कर सकता है, या ये मेजर कर सकता है 2.11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। माने एक्यूरेसी क्या हो रही होगी, बार बार डिस्टर्ब हो रही होगी, बार बार चेंज हो रहा होगा। वहीं अगर मैं डिजिटल सिस्टम की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं डिजिटल सिस्टम की, तो अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, जैसे आपके स्पीडोमीटर में अभी आना लगा, अभी आने लगा है, लगभग सारी बाइक्स में आप देखेंगे कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का, ऐसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले आने लगा है, ऐसे। यानी अगर आपने एक्सेलेरेटर लिया तो आप पहले से ही प्री डिफाइंड है कि ये वाला ग्लो करेगा, ये वाला ग्लो कर दिया तो 2, और यहां पे अगर आपने पॉइंट लगाया 0.0, ये एक्यूरेसी मेंटेन है, यानी 2.00। अब आपने जैसे ही किया 2.01, 2.02, 2.03, ऐसे करके ये वैल्यू क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इस रेट में स्पीड क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। यानी एक क्लोज टू द उस वैल्यू के क्लोज चला जाएगा जो ट्रू वैल्यू होती है। एक्यूरेसी का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी मींस होता है, एक्यूरेसी मींस होता है क्लोज टू द वैल्यू
वैल्यू विच इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू का मतलब है, यहां पे अगर आप देखिए तो आपका जो एसेलेटर आपने लिया, तो आपने सपोज किया एसेलेटर लिया 2.01 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर आवर की, तो इसमें चेंज अचानक से इतना दिखा दिया, तो ये वैल्यू बहुत क्लोज है एज कंपेयर टू जो पिछला वाला था। पिछला वाला कितना दिखा रहा है, यानी 1.99 था, लेकिन दिखा ये कितना रहा है, यहाँ पे ये जोन हमें आइडेंटिफाई नहीं करके दे पा रहा। आप ये कह देंगे कि 1.9 से क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है, 2 से क्या चल रहा है, कम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एग्जैक्टली आसपास दिखेगी, माने एक्यूरेसी के आसपास है। और दूसरी बात प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब होता है कि किसी वैल्यू को बार बार कितने अच्छे से वो रिपीट कर सके सेम वैल्यू को रखने पे। प्रिसीजन का मतलब होता है, सपोज करिए आपने एक इंस्ट्रूमेंट को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या किया, कुछ ही 2 वोल्ट दिया, सपोज करिए यहां पे आया, अगली बार वोल्टेज हटा के फिर से 2 वोल्ट दिया, तो क्या क्या गारंटी है कि ये फिर से ही 2 वोल्ट पे तुरंत इसका निडल शो होगा, क्या गारंटी है कि फिर से ही 2 वोल्ट पे, हो सकता है 1.99 पे शो हो जाए, तो इसका प्रिसीजन का चांस बहुत कम होता है एनालॉग का। एज कंपेयर टू अगर मैं डिजिटल की बात करूं, एज कंपेयर टू अगर मैं डिजिटल की बात करता हूं, तो डिजिटल पे अगर आप 2 वोल्ट दोगे तो ये तुरंत ही यहां पे शो करेगा 2.00, कितनी बार भी दोगे तो ये शो करेगा ही 2.00। तो यहाँ पे प्रिसीजन की क्वालिटी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ये बात मेरे को समझ में आ गई कि भैया 2 फायदे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कौन कौन सा, एक एक्यूरेसी, दूसरा कौन सा, प्रिसीजन। तीसरा अगर मैं बात करता हूँ, डिजिटल सिस्टम इज वेरी इजी टू डिजाइन, ये वाली बात तो यहीं पे हो गया था डिजाइन लॉजिक गेट की वजह से। डिजिटल सिस्टम हैज लेस अफेक्टेड बाय द नॉइस देन द एनालॉग, बहुत अच्छा पॉइंट है। डिजिटल सिस्टम क्या होता है, ये एनालॉग की अपेक्षा लेस अफेक्टेड होता है, तो ये पॉइंट मैं नोट करके लिख देता हूं, सबसे अच्छी बात है। डिजिटल सिस्टम इज लेस अफेक्टेड बाय नॉइस। अब नॉइस क्या क्या हो सकते हैं, नॉइस किसी इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है क्या, हो सकता है टेम्परेचर, हो सकता है लेस अफेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, फिजिकल कंडीशन हो सकता है। कहां पे, सपोज करिए आपके पास एक बाइक है, उसमें एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, तुमने जैसे ही उसको गड्ढे में उतारा तो पता चला 220 शो करने लगा, तो ये क्या है, फिजिकल कंडीशन की वजह से क्या हो गया, नॉइस आ गया उसके अंदर, ठीक है। टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, नॉइस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और आपके हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं, नॉइसेस होते हैं। अब ये इन सभी का जो इफेक्ट होता है ये कहां पे होगा, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलेगा। सपोज करिए ये एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट सपोज करिए आप वोल्टेज नाप रहे हो, और वोल्टेज नापते वक्त सपोज करिए बगल से एक वायर गुजर रही है जिसमें करंट आई है, इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वायर जो है ये इधर से घूम के गई थी, करंट यहां से फ्लो हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे वायर आप देखोगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आने लगा, सपोज करिए यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हुआ, जिसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एरर शो करने लगेगा, इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होने लगा, नॉइस आने लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग मेजरमेंट में करेंगे, जहां पे हम लोग इससे बचने के लिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को शील्डिंग कर देते हैं। शील्डिंग में मतलब उसको एक बॉक्स में भर के रख देते हैं, पढ़ेंगे वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान देते हैं कि नॉइस से
कौन कौन से नॉइस है, ठीक। तो नॉइस से ये सिस्टम क्या होता है, कम से कम अफेक्टेड होता है, लेस अफेक्टेड। डिजिटल सिस्टम आर मोर ट्रस्टेबल एंड रिलायबल देन एनालॉग। हाँ, ये मोर ट्रस्टेबल है और रिलायबल भी है एनालॉग से। इतनी छोटी सी घड़ी है, आप क्या किए, ले गए इसको सेल लगाए, चल रही है, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो आपने सपोज करिए वो आपने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वाली घड़ी पहनी हुई है, तो आपने सेल लगाया, क्या पता उसके अंदर फ्रिक्शन इतना ज्यादा हो गया हो कि वो बहुत स्लो चलने लगी हो, उसका मूवमेंट क्या हो, बहुत स्लो होगा। तो आपको तो लगा 9 बज रहा है, लेकिन क्या पता 9 बज के 15 मिनट हो गया हो। आप जब सेल लगाए थे तब तो सही चल रहा था, लेकिन फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक एक सेकंड लेट होते होते 15 मिनट आप क्या हो गए, डिले हो गए। तो एक तरह से ये क्या है, अनट्रस्टेबल है, जबकि डिजिटल जो है वो ट्रस्टेबल हो जाता है। डिजिटल सिस्टम क्या हो, ट्रस्टेबल है, मतलब जो डिजाइन आपने कर दिया उसमें नॉइस कम हो गया ना भाई, नॉइस कम होने की वजह से क्या हो गया, ट्रस्ट इशू इंक्रीज हो गया, ठीक है। और रिलायबल भी है भाई, जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट इतना बड़ा आप बना रहे थे उसको आप इतना, मल्टीमीटर देख लीजिए आप, आजकल जो मल्टीमीटर आ रहा है वो आप इतने में ही रेसिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो, करंट भी मेजर कर सकते हो, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हो, तो वो बहुत रिलायबल हो गया, ठीक है। तो इन कुछ एडवांटेज की वजह से हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, डिजिटल सिस्टम को प्रेफर करते हैं, डिजिटल को ओवर द एनालॉग हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, इसको रखते हैं कि भैया ये वाला बेस्ट है एज कंपेयर टू एनालॉग, एनालॉग के कंपैरिजन, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई, अगर इतना ही अच्छा था तो एनालॉग जड़ से खत्म हो जाना चाहिए, इतना ही अच्छा था तो एनालॉग जड़ से खत्म कर दो ना, क्या जरूरत है एनालॉग की अगर इतना ही बेस्ट है। तो एक बात करते हैं, नहीं इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं दोस्त। कैसा डिसएडवांटेज, कि अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे ना, रियल वर्ल्ड बेस्ड ऑन एनालॉग सिस्टम, रियल वर्ल्ड जो है वो पूरा एनालॉग पे ही बेस्ड, आपको चाहिए ही चाहिए होगा हर एक इंस्टेंट की इंफॉर्मेशन, हर एक इंस्टेंट की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ही चाहिए होगा। इसलिए जो रियल सिस्टम है वो एनालॉग डिपेंडेंट है, वो हर एक ईच सेकंड पे आपको डेटा चाहिए ही होगा, तो वो चाहिए होगा, रियल वर्ल्ड इस पे एनालॉग पे डिपेंड है। डिजिटल सिस्टम इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू एनालॉग। हाँ भाई, इसका सर्किटरी देखोगे तो हालत खराब हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है एनालॉग के कंपैरिजन में। एनालॉग तो फिक्स पैटर्न पे है कि भैया देखो दो क्वाइल है, ऐसे लगाए तो इसका फ्लक्स आया, ऐसे ऐसे चल के, वो इंस्ट्रूमेंट आपका फिक्स डिजाइन है। जबकि डिजिटल क्या, सर्किटरी के ऊपर बेस्ड है, तो वहां पे आपका डिजाइनिंग पैरामीटर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, वहां पे बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एनालॉग सिस्टम, सॉरी डिजिटल सिस्टम ओवर द एनालॉग। अब मैं कहता हूं कि ये तो मेरे को पता चल गया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत क्यों पड़ गई, ये बात मेरे को पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि एनालॉग अभी तक सिस्टम में जिंदा क्यों है, ये बात मेरे को समझ आ गई। अब जो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे मैं कहा अपना जो सबसे पहला चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम होगा, जो मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया था कि अपने पास फर्स्ट चैप्टर होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, मैं कहता हूं नंबर सिस्टम क्या चीज है, कैसे डिफाइन है, तो मैं आपसे सिंपल एक बात कहता हूँ कि भैया एक काम करो, गिनती लिख दो, तो आप कहोगे 0, होल नंबर लिखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और डॉट डॉट डॉट। मैं कहा यहां तक तो तुम सही लिखे हो, यहां तक आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, यहां तक तो आपने नंबर बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, लेकिन 10, 11 और 12 और 13 ये कोई नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नंबर। अरे ये क्या हो गया, हमारे तो गुरुजी ऐसे ही पढ़ाए थे हमें, नर्सरी से प्लेवे से तो हम यही पढ़ते आए थे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं कह रहा हूँ गलत पढ़े हो भैया, 10 कोई नंबर होता ही नहीं है, 11 कोई नंबर होता ही नहीं है, 12, 13 कोई नंबर नहीं होता है,
ये गलत है. नंबर इज ओनली 9, नंबर इज ओनली 9 तक ही है. यही आपके पास क्या है, नंबर है. और जब आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया कि 0 से 9 तक नंबर, तो उन्होंने कहा कि बच्चा देखो दिस इज डेसिमल नंबर, ये आपके पास नंबर जो है वो डेसिमल है. तो इसे तो हम लोग भूल जाते हैं, इसे तो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग 10, 11, 12 याद करते रहते हैं. अब इसके पीछे किसी ने ये नहीं पूछा कि सर ये डेसिमल क्यों है, तो वो उन्होंने बता दिया होगा कि ये प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम है, 10-10 का आपके पास डिफर होते चला जा रहा है, आप प्लेस वैल्यू से 10-10 का इंक्रीमेंट होते चला जा रहा है. ठीक है, उनको आपको समझाने के लिए, उस टाइम आपका मेंटल लेवल इतना बेस्ट नहीं था, तो आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए चीजें रखी. नाउ मेंटल लेवल अभी आपके पास क्या है, एकदम परफेक्ट है. अब यहाँ से आप सीख सकते हो नंबर सिस्टम के बारे में, एक नई दुनिया खुलेगी यहाँ से आप समझोगे कि एक्चुअल नंबर सिस्टम है क्या. यहाँ से आप जानोगे कि नंबर सिस्टम इजाद कैसे हुआ. ठीक है, नंबर के आगे सिस्टम लगाने की क्या जरूरत है भाई, नंबर के आगे सिस्टम लगाने की क्या जरूरत है. सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो एक शब्द जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्या, नंबर, नंबर और इसके साथ जुड़ा हुआ है सिस्टम. नंबर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सिस्टम. और सिस्टम, पहले तो मैं नंबर पे फोकस नहीं करूंगा, पहला जो फोकस है मेरा वो क्या है, सिस्टम पे, सिस्टम पे. तो रवि जी का सिस्टम पे फोकस है, रबीश कुमार, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे एक वेब सीरीज, रबीश जी. सिस्टम, सिस्टम क्या है, सिस्टम एक फिक्स पैटर्न होता है जिसमें आप जाने के बाद एक फिक्स आउटपुट, फिक्स इनपुट के लिए प्रॉपर आउटपुट देते हो. आपको ये चीज दिया गया तो इसका प्रॉपर आउटपुट ये होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा. That is defined by a system. That is defined by a system. Suppose करिए आप किसी किसी bureaucrats में हो गए, या आप suppose करिए JE बन गए, आप किसी organization में गए, suppose करिए organization is ISRO. ISRO. Then output is what? आप यहाँ पे हैं और आपसे कहा गया कि आपके पास क्या है, मिसल, suppose करिए आप जा रहे हो मार्स, मार्स पे या मंगल पे आप जा रहे हो, तो आपको क्या डिजाइन करने को दिया गया, कुछ सर्किट दिए गए, सर्किट दिए गए. तो अब इस सर्किट का लेके इसरो में करोगे क्या, आप क्या डिजाइन करोगे, सैटेलाइट बना लोगे, सैटेलाइट डिजाइन कर दोगे, या आप कुछ सर्किट डिजाइन करोगे. हो सकता है आपने इंजन डिजाइन कर दिया, हो सकता है आपने मशीन डिजाइन कर दिया, कुछ आपको मिलेगा जो इक्विपमेंट, जो भी आपको चीजें मिली वो आप किसके लिए कर रहे हो, आप किसके लिए कर लिए, ये कुछ आपने डिजाइनिंग कर लिया, कुछ डिजाइन पैरामीटर आपने बना लिए. तो ये आपके साथ इनपुट्स थे, इनपुट थे, और इस इनपुट को आपने कहाँ लगाया, इसरो में लगाया, तो ऐसी कुछ चीजें मिल गई. यही आपके पास घर पे होता तो क्या करते, आप कार से मोटर खोलते, मोटर निकाल के पंखुड़ी बना देते. वो सिस्टम डिफाइन नहीं था, वो मन करता मेरा कि आज मेरे को क्या बनाना है, वो सिस्टम नहीं डिफाइन था. यानी सिस्टम का मतलब होता है एक प्री डिफाइंड चीज, कि किसी फिक्स इनपुट के लिए एक प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए, दैट इज द सिस्टम. यहाँ फिक्स पैटर्न होता है जिसके लिए ऐसी चीजें आना चाहिए. ठीक है, सिस्टम एक बात समझ में आई, सिस्टम एक बात समझ में आई. तो मैं कहूं अगर सिस्टम क्या है, एक और बात कर लेता हूं मैथमेटिकल लैंग्वेज में. सपोज करिए ये कोई एक सिस्टम है, और ये सिस्टम क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. तो अगर आप यहाँ पे x दे रहे हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो आउटपुट क्या बन गया, 2. यानी ये फिक्स पैटर्न है. अगर आपने यहाँ पे 4 दिया तो ये क्या बन गया, 8 बन गया. तो दिस इज द सिस्टम, दैट इज मल्टीप्लीकेशन सिस्टम. यह मल्टीप्लाइड हो गया, ये एक सिस्टम था जो क्या कर दे रहा है, मल्टीप्लाई करके दे रहा है. आपने 10 दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 हो गया. ठीक है, इस तरह का ये फिक्स प्रॉपर आउटपुट दे रहा है. ठीक है, ये बात मेरे को समझ में आ गई कि सिस्टम तो ऐसी चीज है. नाउ अगर सिस्टम ऐसी चीज है तो नंबर क्यों जुड़ गया सिस्टम के आगे, नंबर क्यों जुड़ गया सिस्टम के आगे. यानी ऐसा कुछ फिक्स पैटर्न जिस पे नंबर वर्क कर रहा हो. ओके ओके, यानी दो बातें, क्या, नंबर, नंबर का वर्क करना किसके ऊपर,
सिस्टम के ऊपर। अब ये सिस्टम कैसा डिफाइन है, किसका सिस्टम डिफाइन है, नंबर का डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, मैं कहा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 1 रखिए और 0 रखिए। इसके बाद जरा सिस्टम को नोट करिएगा, इसके बाद जरा सिस्टम देखिए क्या है। सिस्टम है 1 और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर क्या बन जा रहा है, 0, क्यों, यहां पे 1 भी तो है, यहां पे भी 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। ये 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ये नंबर देखो, ये पैटर्न देखो, ये पैटर्न क्या है, एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है। आगे देखोगे तो 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3। तो जो आप 10, 10 चिल्ला रहे थे ना, वो एक्चुअली कोई नंबर नहीं है दोस्त, ये 10, 10 जो है, ये 10 इज 1 एंड 0। 1 को बोलते हैं कैरी, कैरी, एंड दिस इज द नंबर, ये आपके पास नंबर है। ये आपका कैरी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हैं, मतलब ये साथ चलते चला जा रहा है, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, यहां भी, यहां, यहां से ये 9 तक क्या हुआ, पूरा कैरी चलते चला आया। फिर उसके बाद नंबर खत्म हो गया था, ये नंबर 9 तक ही था, खत्म हो गया कैरी, यहां से 1 के बजाय क्या हो गया, 2 हो गया। आगे क्या होगा, ये सिस्टम का नंबर, ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, फिर बन जाएगा 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9। अब नंबर खत्म हो गया 9 तक, तो आगे क्या हो जाएगा, 3, 0, यानी 3, 0, ये कैरी हो गया और ये क्या हो गया, नंबर हो गया। फिर क्या बन जाएगा, 3, 1, ऐसा ही आगे तक चलता चला जाएगा, कब तक, 9, 9। अब सर ऐसा हुआ कि ये नंबर अपना खत्म हो गया 9 तक और ये भी खत्म हो गया, तो फिर से ये शुरू हो जाएगा 0, ये फिर से शुरू हो जाएगा 0, अब एक नया कैरी आ गया क्या, 1। ये सिस्टम था कि नंबर खत्म होने के बाद एक कैरी के साथ क्या कर जाइए, आगे प्रोपगेट कर जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे चल जाइए। दिस इज द सिस्टम, और इस ये सिस्टम किस में है, नंबर में है, तो इस वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, नंबर सिस्टम पड़ गया, नंबर सिस्टम पड़ गया। सो व्हाट इज नंबर सिस्टम, अगर आपसे कोई कहता है कि नंबर सिस्टम क्या है, अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या है, तो आप सिंपल सी एक बात कहिए, इट इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ numbers in which number repeat itself with a fixed systematic way of pattern, ek fixed systematic way of pattern ke baad number repeat kar deta hai, number repeat ho jata hai, aur systematic pattern kya hai ki agar number khatam ho gaya to ek carry ke sath kya kar jaiye, repeat kar jaiye, ek carry ke sath aage badh jaiye, that is the number system, yahi to kya hai number system, यही तो क्या है नंबर सिस्टम है। अब वो नंबर सिस्टम अलग अलग हो सकता है, हो सकता है वो डेसिमल हो सकता है वो ऑक्टल हो सकता है वो बाइनरी हो सकता है वो हेक्साडेसिमल हो सकता है वो चार का हो, ऐसा बहुत सारी नंबर सिस्टम आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो हमारे जो पैटर्न में है, हमारे जो सिलेबस में है, वो कौन कौन से नंबर सिस्टम है आपके सिलेबस में, तो हमारे जो सिलेबस में है वो नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं, कौन कौन से नंबर सिस्टम आपको पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, नंबर सिस्टम कौन कौन से पढ़ने हैं, द फर्स्ट नंबर सिस्टम इज, जो आपको पहला नंबर सिस्टम पढ़ना है, द फर्स्ट नंबर सिस्टम इज बाइनरी, बाइनरी नंबर, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। सेकेंड जो नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल, डेसिमल नंबर, नंबर सिस्टम। थर्ड जो नंबर सिस्टम है दिस इज ऑक्टल, ऑक्टल नंबर, नंबर सिस्टम। एंड फोर्थ जो नंबर सिस्टम है दैट इज हेक्साडेसिमल, हेक्सा
डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये चार तरह का नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है जो आपको पढ़ना है। तो क्या बस इतने ही नंबर सिस्टम डिजाइन किए जा सकते हैं? इज एक प्रश्न लिख सकते हैं, इज ओनली फोर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम कैन बी डिजाइंड। क्या सिर्फ चार ही तरह के नंबर सिस्टम डिजाइन किए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गलत बात। नो, वी कैन डिजाइन any number system. हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं with different base values or radix, जिसका different base value और radix होगा। अब ये base value और radix क्या चीज होती है? So what is base value, base or radix of a number system? Base or radix क्या होता है number system का? ये देख लेते हैं। So the base or radix of a number system is the representation of number in the particular number system represented. मतलब पर्टिकुलर कोई एक नंबर सिस्टम है उसको किस वे से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अंदर कितने नंबर्स अवेलेबल हैं, ये आपको बताता है। एग्जांपल में देखिए, सपोज करिए आपके पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसका बेस वैल्यू जो होता है, बेस वैल्यू ये कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड, अगर मैं कहूं ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस वैल्यू कितना हो जाता है? बेस वैल्यू हो जाता है 8। थर्ड, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस वैल्यू कितना हो जाता है? इसका बेस वैल्यू हो जाएगा कितना? 10। अगला मैं बात करूं फोर्थ, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका बेस वैल्यू हो जाएगा 16। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभार किससे? एच से, ठीक है। ऐसे इसके बेस वैल्यू हो जाते हैं। अब इस बेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर कहीं लिखा है बेस वैल्यू 2, यानी इस नंबर सिस्टम के अंदर कौन सा नंबर सिस्टम हुआ? बाइनरी। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर अवेलेबल है, only two numbers are available। क्या कि ये एक 0 हो गया, ये 1 हो गया, यही इसका, ये आपका इनिशियल वैल्यू होगा और ये इसका क्या होगा? फाइनल वैल्यू होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद अगर आप इसका नंबर लिखना चाहते हो तो फाइनल अचीव कर लिया, फिर 0 लिखिए और विद अ कैरी, एक कैरी के साथ। तो ये 2 डिजिट का नंबर हो गया, 2 बिट का नंबर हो गया, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो यहां से आप देखेंगे इसका 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, फाइनल अचीव कर, फिर 0 और ये फिर क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। इस तरह से, यानी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर हो गए? 2 नंबर अवेलेबल होंगे। बेस वैल्यू का मतलब हुआ इसके अंदर 2 नंबर अवेलेबल हो गए। अगर बेस वैल्यू 8 दिया है,
अगर मैं कहता हूं बेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, बेस वैल्यू 8। इसका क्या मतलब हुआ, नंबर सिस्टम कौन सा हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये गारंटी मेरी है, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान से सारी बातें सुनना पड़ेगा। इतना आसान सा सब्जेक्ट है, फ्री का नंबर देके जाता है, कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं, सब लॉजिकल है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें बेसिक की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई इलेक्ट्रिकल का ला वा पता हो या ना पता हो, आप इसको इजिली कर सकते हो। ये सब्जेक्ट ही अलग है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल माने 8, यानी इसके पास 8 नंबर होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो 8 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर हो गया। इसका इनिशियल वैल्यू कितना हो गया, इनिशियल वैल्यू 0 हो गई। और इसका फाइनल वैल्यू कितना हो गया, ये इसका हो गया फाइनल वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं तीसरा नंबर सिस्टम, दैट इज थर्ड, थर्ड नंबर सिस्टम की मैं बात करूं, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, जो बचपन से आप पढ़ते आओ, या बेस वैल्यू 10, जो मैं कहता हूं बेस वैल्यू 10। अगर बेस वैल्यू 10 है तो क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये सिस्टम कैसा हो गया, डेसिमल, यानी इसके अंदर कितने नंबर डिजिट आएंगे, 10 डिजिट आएंगे, 10 नंबर्स आएंगे, और वो नंबर कौन कौन सा हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। गिन लो, टोटल गिनो आप जरा, कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 नंबर आ गया, जिसका इनिशियल वैल्यू कितना हो गया, 0 इनिशियल वैल्यू, और ये इसका क्या हो गया, फाइनल वैल्यू आ गया। अगला अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो चौथा मैं बात करूं हेक्साडेसिमल या बेस वैल्यू 10, या मैं बात करता हूं डायरेक्ट बेस वैल्यू 10 16 सॉरी बेस वैल्यू 16 बेस वैल्यू 16 की बात करूं तो वो बन जाता है कौन सा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर ये हेक्साडेसिमल है, इसका मतलब इसके अंदर कुल 16 आना चाहिए, क्योंकि बेस वैल्यू कितना है, 16। तो मैं लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक तो आपके पास क्या हो गए, नंबर आ गया। तो ये 10 तो ये हो गए, अब 6 और चाहिए, अब 6 डिजिट हैं, इतना तो हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिकल में 9 मिल जाते हैं। अब 11वां कैसे बनाए, 10 तो मिल गया, 11वां कैसे बनाया जाए, तो 11 हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो हम लोगों ने ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ लिख दिया, और इसके बाद फिर से कितना लिख दिया, 0। यहां से आप गिनोगे कितने नंबर्स अवेलेबल हैं इसके पास, तो आप कहोगे ये देखिए इसका इनिशियल वैल्यू हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगा। इसके अंदर कितने नंबर्स अवेलेबल हो गए, इसके अंदर आप गिन लीजिए, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 है, इस वजह से बेस वैल्यू 16, हेक्साडेसिमल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। नहीं, इतना बात तो समझ में आ गई कि एक नंबर सिस्टम है जिसमें नंबर्स डिफाइन है कि इसके अंदर इतना नंबर होगा, और इस सिस्टम के बाद किसी फिक्स कैरी के साथ वो नंबर क्या होगा, रिपीट करेगा, अपने आप को रिपीट करते हुए चलेगा। मैं कहा एक ऐसा नंबर सिस्टम बनाइए जिसका बेस वैल्यू कितना हो जाए। एक मैं क्वेश्चन देता हूं, मैं कहा डिजाइन अ नंबर सिस्टम whose base value is मान लेते हैं हम लोग 4, 5 का बनाते हैं, जिसका बेस वैल्यू कितना हो जाए, 5 हो जाए। एक नंबर सिस्टम बनाना है, ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं।
तो मैं कहा इनिशियल वैल्यू जीरो रखता हूं, वन टू थ्री और फोर, यानी एक दो तीन चार पांच नंबर होगा, क्योंकि बेस वैल्यू कितना है पांच है, तो इसके अंदर कितना हो गया पांच नंबर हो गया। इसके बाद कैसा लिखा जाएगा ये नंबर, जीरो विथ कैरी वन, वन टू, अरे वन वन, वन वन, वन टू, वन थ्री, और फिर कितना वन फोर, और फिर इसके बाद टू जीरो, टू जीरो, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, फिर क्या बन जाएगा, फिर बन जाएगा थ्री जीरो, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फोर हो गया। अब क्या बन जाएगा फोर जीरो, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री और फोर फोर, अगला फाइव जीरो। इसी तरह से ये नंबर चलते चला जाएगा। इसका लास्ट नंबर क्या, फाइव तो आएगा ही नहीं, ये नंबर तो आएगा ही नहीं, यही टू डिजिट का इसका क्या बन जाएगा, लास्ट नंबर बन जाएगा, क्योंकि इसका फाइनल वैल्यू कितना है, सॉरी ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू कितना है जीरो इनिशियल है, और ये क्या हो गया फाइनल हो गया। तो फाइनल में ये वाला डिजिट भी अचीव हो गया जो पहले पे था, और ये वाला भी अचीव हो गया, तो अब फाइव आने का कोई चांस नहीं है। यानी अब यहां पे जो आप नंबर बनाओगे, यहां पे जो आप नंबर बनाओगे वो नंबर कैसे बनाओगे कि भैया देखो ये जीरो हो गया, ये फाइनल अचीव कर लिया, जीरो हो गया, अब एक कैरी और बढ़ा दो, यहां से तीन डिजिट का नंबर बनने लगेगा। और ये कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा सिलसिला, ये सिलसिला चलेगा फोर 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 तक। अब फिर क्या करोगे, जीरो 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 और वन बढ़ा दो, फिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, ये फिर वहीं तक चलेगा, कहां तक, फोर फोर फोर, तीन और एक चार, और फिर ये क्या बन जाएगा, जीरो 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 और वन। इसी तरह से ये सिलसिला आगे तक चलता चला जाएगा। तो पूरा नंबर सिस्टम एक समझ में आया कि नंबर का एक सिस्टम है जिसको हमें समझना चाहिए था, जिसे हमें जानना चाहिए था, ऐसे ही बेस वैल्यू नहीं लिखा जाता है सबका, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे हम लोग देखेंगे और भी इसके कुछ एक्सपेंशन, बाइनरी नंबर पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑक्टल आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग कवर करेंगे वो सारी बातें। तब तक के लिए नमस्कार।